नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल स्पिरिचुअल ऑरा 369 में आपका स्वागत है। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आप हमारे किसी भी वीडियो को मिस न करें। चलिए तो फिर वीडियो को शुरू करते हैं। सूर्य नमस्कार सूर्यदेव के प्रति आभार प्रकट करने का एक तरीका है। सूर्यदेव हमें ऊर्जा देते हैं जिसकी सभी सजीव वस्तुओं को जीवित रहने के लिए आवश्यकता होती है। सूर्यदेव को सम्मान देकर हम अपने जीवन में इसके महत्व को पहचान सकते हैं। सूर्य नमस्कार में 12 आसन होते हैं जो हमारे शरीर को संतुलित करने में मदद करते हैं। ये आसन हमारे शरीर के 3 महत्वपूर्ण दोषों पर काम करती हैं। वे है कफ, पित्त और वात। प्रत्येक दोष विभिन्न तत्वों से बना होता है। कफ में पृथ्वी और जल होता है, पित्त में जल और अग्नि होती है और वात में वायु होता है। हमारे शरीर और मन के अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें इन तत्वों के उचित संतुलन की आवश्यकता है। यह एक ऐसे व्यायाम की तरह है जो हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद है। दरअसल सूर्य नमस्कार करने से करीबन 416 कैलोरी बर्न की जा सकती है। सूर्य नमस्कार न केवल हमें एक अच्छा व्यायाम देता है बल्कि यह हमारे दिमाग पर भी सकारात्मक प्रभाव डालता है। अब हम सूर्य नमस्कार के महत्व को जानेंगे। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतरस्य सहस्रेषु दारिद्र्यम् नोपजायते। इसका अर्थ है सूर्य नमस्कार एक व्यक्ति को कई जन्मों तक धन और समृद्धि ला सकता है और उसे गरीबी से बचाता है। आइए अब हम सूर्य नमस्कार के प्रत्येक आसन और उससे मिलने वाले लाभों के बारे में जानेंगे। हम प्रत्येक आसन से जुड़े मंत्रों को भी जानेंगे और उन मंत्रों का अर्थ समझेंगे। सूर्य नमस्कार करते समय इन मंत्रों का जाप करने से और भी अधिक लाभ मिलता है। मन और शरीर दोनों पर इसका अद्भुत प्रभाव पड़ता है। जब हम मंत्रों का जाप करते हैं तो हमारा मन उन मंत्रों पर केंद्रित हो जाता है, जिससे हमारा ध्यान शरीर में महसूस होने वाली किसी भी असुविधा से हट जाता है। तो चलिए अब हम सूर्य नमस्कार के पहले आसन की ओर बढ़ते हैं। पहला आसन है प्राणायामासन। अपने योगा मैट के किनारे पर अपने पैरों को एक साथ रखकर खड़े हो जाए। आपका वजन दोनों पैरों पर समान रूप से संतुलित होना चाहिए। अपनी छाती और कंधों को आराम दे। जैसे ही आप सांस लेंगे दोनों हाथों को ऊपर उठाए। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी हथेलियों को प्रार्थना की स्थिति में अपनी छाती के सामने एक साथ लाए। यह पहला आसन है जिसमें आप सूर्य देव को प्रणाम करते हैं। इस आसन के लिए मंत्र है ओम मित्राय नमः, जिसका अर्थ है सभी के मित्र को नमस्कार। मित्राय यह संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मित्र। हम सूर्य देव को अपना मित्र इसलिए कहते हैं क्योंकि वे अपना प्रकाश सबके साथ समान रूप से बांटते हैं। वे भेदभाव नहीं करते। सूर्य देव पृथ्वी पर सभी जीवों के लिए एक सच्चे मित्र के समान है। यह मंत्र हमें हर प्राणी के लिए जीवन का स्रोत होने के लिए सूर्यदेव के प्रति आभार व्यक्त करने में मदद करता है। प्राणायामासन प्रार्थना मुद्रा के कई फायदे हैं। यह तंत्रिका तंत्र को आराम देता है और हमारे शरीर में संतुलन रखने में हमारी मदद करता है। यह तनाव और चिंता से भी छुटकारा दिलाता है और शांति की भावना को बढ़ाता है। इस आसन को करने से हमें शांत और केंद्रित रहने में मदद मिलती है। अब हम सूर्य नमस्कार के दूसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा आसन है हस्त उत्तानासन। सूर्य नमस्कार के दूसरे आसन में अपनी हथेलियों को आपस में जोड़े और गहरी सांस ले। फिर हाथों को थोड़ा पीछे की ओर झुकाते हुए ऊपर उठाए। अपने बाइसेप्स को अपने कानों के पास रखे और अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करे। इस आसन के लिए मंत्र है ओम रवये नमः, जिसका अर्थ है चमकते हुए को नमस्कार। रवये शब्द रवि नाम को दर्शाता है, जिसका अर्थ है चमकदार। इस आसन से हम सूर्य देव की चमक और आशीर्वाद को स्वीकार करते हैं। इस आसन से प्रकाश के लिए आभार प्रकट करते हुए सूर्य देव से शक्ति और ऊर्जा प्राप्त होती है। हस्त उत्तानासन के कई फायदे हैं। यह पेट की मांसपेशियों को टोन दुरुस्त करने में मदद करता है, जिससे वे मजबूत बनते हैं। यह अस्थमा, कमर दर्द और थकान से पीड़ित लोगों के लिए भी फायदेमंद है। इसके अतिरिक्त यह पाचन तंत्र के काम काज में सुधार करने में भी मदद करता है।
अब हम सूर्य नमस्कार के तीसरे आसन की ओर बढ़ते हैं। तीसरा आसन है हस्त पदासन। सूर्य नमस्कार के तीसरे आसन में रीढ़ की हड्डी सीधी रखते हुए कमर से आगे की ओर झुके। जैसे ही आप आगे की ओर झुकते हैं, दोनों हाथों को अपने पैरों के बगल में फर्श पर ले आए। इस आसन के लिए मंत्र है ओम सूर्याय नमः, जिसका अर्थ है गतिविधि को प्रेरित करने वाले को नमस्कार। सूर्य देव हमारे जीवन में गति लाने के लिए जिम्मेदार है। उन्हें एक हिंदू भगवान के रूप में जाना जाता है। सूर्य देव एक गतिशील शक्ति है जो पृथ्वी और सभी जीवित प्राणियों को सक्रिय करती है। हस्त पदासन में आगे झुकना और इस मंत्र का जाप करना हमें पृथ्वी से जोड़ता है और ऊर्जा के सामान्य स्रोत को साझा करता है। यह हमें सूर्य देव के ऊर्जावान गुणों को ग्रहण करते हुए संतुलन की भावना विकसित करने में भी मदद करता है। हस्त पदासन के कई फायदे हैं। यह अनिद्रा, सिर दर्द, चिंता और तनाव जैसी स्थितियों में मदद करता है। यह आसन रीढ़ की हड्डी को अधिक लचीला बनाती है। यह आसन शांति और विश्राम की भावना को बढ़ावा देने में भी मदद करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के चौथे आसन की ओर बढ़ते हैं। चौथा आसन है अश्व संचालन आसन। पिछले आसन को बनाए रखते हुए धीरे से सांस ले और अपने दाहिने पैर को जितना हो सके पीछे की ओर ताने। अपने दाहिने घुटने को चटाई पर रखें और ऊपर देखने के लिए अपना चेहरा ऊपर उठाएं। अपने बाएं पैर को पहले की तरह ही स्थिति में रखना सुनिश्चित करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम भानवे नमः, जिसका अर्थ है प्रकाशित करने वाले को नमस्कार। भानवे शब्द भानु शब्द से लिया गया है। भानु शब्द सूर्य देव को संदर्भित करता है जो प्रकाश के स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। सूर्य देव अंधकार को दूर करने और प्रतिदिन प्रकाश लाने के लिए जाने जाते हैं। इस आसन में अपने सिर को ऊपर उठाकर हम प्रतीकात्मक रूप से मानसिक अवरोधों, भय, नकारात्मकता को दूर करते हैं। अश्व संचालनासन हमारे समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह आसन हमारी रीढ़ को मजबूत करने में मदद करती है और हमारी पीठ में लचीलापन बढ़ाती है। यह बेहतर लीवर फंक्शन का समर्थन करता है और पाचन में सहायता करता है। इसके अतिरिक्त यह कब्ज से राहत देता है, घुटनों और टखनों को मजबूत करता है और हमारे शरीर में पेट के अंगों को उत्तेजित करता है। इस आसन से हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अब हम सूर्य नमस्कार के पांचवे आसन की ओर बढ़ते हैं। पांचवा आसन है दंडासन। इस आसन को शुरू करने के लिए गहरी सांस ले और अपने बाएं पैर को दाएं पैर के बगल में लाए। अपने शरीर को जमीन के समानांतर रखते हुए अपने हाथों को अपने कंधों के नीचे रखें। ध्यान रखें कि आपका पूरा शरीर एक सीधी रेखा में होना चाहिए। इस आसन के लिए मंत्र है ओम खगाय नमः, जिसका अर्थ है आकाश में तेजी से चलने वाले को नमस्कार। खग शब्द आकाश में रहने वाले को संदर्भित करता है। यह आकाश में सूर्य देव की निरंतर गति को संदर्भित करता है। दंडासन के कई फायदे हैं। यह कंधे और रीप के पीछे के बीच के संबंध को मजबूत करके आसन को बेहतर बनाने में मदद करता है। यह आसन एथलीट के लिए भी फायदेमंद है, क्योंकि यह कंधे को रीप से जोड़ने वाली मांसपेशियों को मजबूत करके कंधे की स्थिरता को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त दंडासन मानसिक विश्राम और ध्यान को बढ़ावा देता है। अब हम सूर्य नमस्कार के छठे आसन की ओर बढ़ते हैं। छठा आसन है अष्टांग नमस्कार। इस आसन को करने के लिए सांस छोड़े और अपने घुटनों को नीचे फर्श पर ले आए। अपनी ठोड़ी को फर्श पर टिकाए और अपनी कमर को जमीन से थोड़ा ऊपर उठाए। आपके हाथ, घुटने, ठोड़ी और छाती सभी को फर्श से छूना चाहिए, जबकि आपकी पीठ हवा में उठी हुई होनी चाहिए। इस आसन के लिए मंत्र है ओम पुष्णे नमः, जिसका अर्थ है पोषण देने वाले को नमस्कार। पुष्णे शब्द पोषण शब्द से लिया गया है। यह मंत्र सभी जीवित प्राणियों को पोषण प्रदान करने के लिए सूर्य देव की स्तुति करता है।
जब हम अष्टांग नमस्कार करते हैं तो हम सूर्य देव से ऊर्जा और पोषण की तलाश करते हैं, जो हमें गहरे स्तर पर मजबूत करता है। अष्टांग नमस्कार हमारे शरीर और मन के लिए कई लाभ प्रदान करता है। यह हमारी मांसपेशियों को मजबूत करता है और तनाव को कम करता है, जिससे विश्राम की भावना पैदा होती है। यह थकान को भी कम करता है और आरामदायक नींद मिलने में मदद करता है। यह आसन हमारे मन को ध्यान के लिए तैयार करती है और ध्यान केंद्रित करने की हमारी क्षमता को बढ़ाती है। इसके अतिरिक्त अष्टांग नमस्कार पाचन तंत्र को उत्तेजित करता है, जिससे कब्ज से राहत मिलती है। महिलाओं में मासिक धर्म पर भी इसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और उससे नियमितता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा यह हमारी मांसपेशियों और श्वसन प्रणाली को मजबूत करते हुए हमारी पीठ और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के सातवें आसन की ओर बढ़ते हैं। सातवां आसन है भुजंगासन। अब आगे की ओर स्लाइड करें, फिसले और भुजंगासन में आ जाए। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपनी छाती को ऊपर की ओर उठाए। अपने कोहनियों को मोड़कर कंधों को आराम दे। यह आसन आपके शरीर को अच्छा खिंचाव देता है। अपने श्रोणि को फर्श पर रखते हुए अपने ऊपरी शरीर को जमीन से ऊपर उठाने के लिए अपने हाथों का उपयोग करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम हिरण्यगर्भाय नमः, जिसका अर्थ है स्वर्ण ब्रह्मांडीय को नमस्कार। हिरण्यगर्भाय दो शब्द हिरण और गर्भ के मेल से बना है। हिरण के गर्भ को ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत भी माना जाता है। इसे सुनहरे अंडे के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि सूर्य देव स्वर्ण ब्रह्मांडीय पिंड है। यह सूर्य देव को स्वर्ण ब्रह्मांडीय पिंड के रूप में संदर्भित करता है, जो ब्रह्मांड में जीवन की शुरुआत का प्रतीक है। हिरण्यगर्भ, जिसे सुनहरे अंडे के रूप में भी जाना जाता है, जो जीवन की शुरुआत और अस्तित्व के सार का प्रतिनिधित्व करते हैं। सूर्य देव को एक उज्जवल सुनहरी चमक के साथ एक दिव्य ऊर्जा के रूप में देखा जाता है, जो दुनिया में जीवन लाते हैं। जब हम भुजंगासन के दौरान मंत्र का जाप करते हैं, तो हम रचनात्मकता और प्रेरणा से भरे एक पूर्ण जीवन की इच्छा व्यक्त कर रहे होते हैं। यह हमारी रचनात्मक भावना को पोषित करने के लिए सूर्य की ऊर्जा और जीवन शक्ति मांगने जैसा है। भुजंगासन के कई फायदे हैं। यह आपकी पूरी रीढ़, पेट और डायफ्राम को मजबूत करता है। यह लीवर और पेट के अंगों को भी टोन करता है। यह आसन हृदय, फेफड़े और थायराइड ग्रंथि के कामकाज में सुधार करती है। इसके अतिरिक्त भुजंगासन लचीलेपन को बढ़ावा देता है और पीठ की मांसपेशियों को तनाव मुक्त करता है। यह आसन तनाव और थकान को भी दूर करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के आठवें आसन की ओर बढ़ते हैं। आठवां आसन है अधोमुख श्वानासन। इस आसन को करने के लिए अपने शरीर के साथ एक उल्टा वी आकार बनाते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं और एड़ियों को जमीन पर रखते हुए अपनी कोहनियों और घुटनों को सीधा करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम मरीचये नमः, जिसका अर्थ है प्रकाश की किरणों के देवता को नमस्कार। मारिच शब्द का अर्थ है प्रकाश की किरणें। जैसे ही सूर्योदय होता है, वह एक नया दिन लाता है, इसलिए यह मंत्र प्रकाश की किरणों के देवता को नमस्कार करने का एक तरीका है। सूर्य देव को सम्मान देने के अलावा मरीचय शब्द का अर्थ मृग तृष्णा भी है। मृग तृष्णा एक भ्रम जैसी चीज है, जो हमें विचलित करती है। ये विक्षेप हमारी जीवन यात्रा में बाधाएं पैदा कर सकती है। आठवें आसन के दौरान इस मंत्र का जाप करके हम स्पष्टता की तलाश करते हैं और जीवन में अपना सही मार्ग या उद्देश्य खोजते हैं। यह मंत्र हमें यह बात समझाने में मदद करता है कि क्या वास्तविक है और क्या नहीं। यह ज्ञान और विवेक के साथ हमारा मार्गदर्शन करता है। अधोमुख श्वानासन के कई फायदे हैं। यह नसों को शांत करता है और रक्त परिसंचरण में सुधार करता है। यह तनाव को दूर करने में भी मदद करता है और बाहों और पैरों को मजबूत करता है।
महिलाओं के लिए यह आसन रजोनिवृत्ति के लक्षणों को कम करने में मदद करती है। इसके अतिरिक्त यह रीढ़ की हड्डी के क्षेत्र में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है और समग्र रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य को बढ़ावा देता है। अब हम सूर्य नमस्कार के 9वें आसन की ओर बढ़ते हैं। 9वां आसन है अश्व संचालनासन। इस आसन को करने के लिए अपने दाहिने पैर को आगे लाए और अपने बाएं पैर को अपने पीछे मैट पर फैलाए। खिंचाव को गहरा करने के लिए आगे देखें और धीरे से अपनी कमर को फर्श की ओर नीचे करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम आदित्याय नमः, जिसका अर्थ है अदिति के पुत्र लौकिक माता को नमस्कार। आदित्य को अदिति नाम की लौकिक माता का पुत्र माना जाता है। इसका अर्थ है कि हम सूर्य देव को लौकिक माता अदिति के पुत्र के रूप में नमस्कार करते हैं। लौकिक माँ वह है जिन्होंने पृथ्वी पर सब कुछ बनाया है। तो इस 9वें स्थान पर जब हम सूर्य देव की पूजा करते हैं तो हम उस रचनात्मक शक्ति को भी स्वीकार करते हैं जिससे हम जुड़े हुए हैं और जो हमारे जीवन में प्रवाहित होती है। अश्व संचालनासन एक ऐसा आसन है जो रीढ़ की हड्डी को मजबूत करता है और फेफड़ों की क्षमता को बढ़ाता है। यह अपचन और कब्ज में भी मदद करता है। यह आसन पैर की मांसपेशियों को फैलाती है, पेट के अंगों को टोन करती है और रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन में सुधार करती है। अब हम सूर्य नमस्कार के 10वें आसन की ओर बढ़ते हैं। 10वां आसन है हस्तपदासन। हस्तपदासन करने के लिए सांस छोड़े और अपने बाएं पैर को आगे लाए। सूर्य नमस्कार में इस मुद्रा को करते हुए अपनी हथेलियों को फर्श पर रखें और अपने घुटनों को अपनी नाक से छूने की कोशिश करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम सावित्री नमः, जिसका अर्थ है सृजन के भगवान को नमस्कार। दिन में सूर्य के दो महत्वपूर्ण क्षण होते हैं, सूर्योदय और सूर्यास्त। सूर्योदय होने से पहले क्षण को संस्कृत में सावित्री कहा जाता है। मंत्र ओम सावित्री नमः सूर्य देव को अभिवादन और सम्मान देने का एक तरीका है जो दुनिया को बनाते हैं और प्रबुद्ध करते हैं। सावित्र का अर्थ है कि सूर्य देव हमारे चारों ओर की हर चीज को उत्तेजित और सक्रिय करते हैं। 10वीं स्थिति में हम उस स्फूर्तिदायक और रचनात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए झुकते हैं जो हमें दया और प्रेम के साथ अपनी इच्छाओं को प्राप्त करने में मदद करती है। यह एक अच्छे तरीके से हमारी इच्छा को पूरा करने के लिए सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ावा देने जैसा है। हस्तपदासन विभिन्न स्वास्थ्य समस्याओं जैसे अनिद्रा, ऑस्टियोपोरोसिस, सिर दर्द, चिंता और तनाव के लिए फायदेमंद है। यह इन समस्याओं को दूर करने और समग्र कल्याण को बढ़ावा देने में मदद करता है। अब हम सूर्य नमस्कार के 11वें आसन की ओर बढ़ते हैं। 11वां आसन है हस्तोत्तासन। हस्तोत्तासन को करने के लिए अपने ऊपरी शरीर को सांस लेते हुए ऊपर उठाना शुरू करें। अपने हथेलियों को एक साथ लाए और अपने हाथों को पीछे की ओर झुकाते हुए और अपने रीढ़ को स्ट्रेच करते हुए ऊपर की ओर उठाए। इस आसन के लिए मंत्र है ओम अर्काय नमः, जिसका अर्थ है प्रशंसनीय को नमस्कार। अर्काय शब्द अर्क से लिया गया है जिसका अर्थ है पूजा के योग्य। इसका अर्थ है किसी ऐसे व्यक्ति को नमस्कार करना जो प्रशंसा के योग्य हो। इस आसन में हम अपनी भुजाओं और अपने पूरे शरीर को आकाश की ओर फैलाते हैं। ऐसा करके हम सूर्य देव और आकाश को नमस्कार करते हैं और अपने ऊपर की शक्तिशाली शक्ति के प्रति अपना आभार व्यक्त करते हैं। हमारा मानना है कि आकाश की ओर खिंचाव और खुलने से हमें ऊर्जा प्राप्त करने और आभार व्यक्त करने में मदद मिलती है। हस्तोत्तासन आपके कंधों, पीठ, पेट, बाहों और हाथों की मांसपेशियों को मजबूत करता है। यह सूर्य नमस्कार क्रम में एक महत्वपूर्ण आसन है और विशेष रूप से अस्थमा, पीठ के निचले हिस्से में दर्द और थकान से पीड़ित लोगों के लिए फायदेमंद है। यह पाचन में भी मदद करता है। इस आसन को नियमित रूप से करने से आपके ऊपरी शरीर के समग्र लचीलेपन में सुधार करने में मदद करता है, जिससे यह अधिक लचीला और फुर्तीला हो जाता है।
अब हम सूर्य नमस्कार के अंतिम आसन की ओर बढ़ते हैं। अंतिम आसन है प्राणायामासन। प्राणायामासन सूर्य नमस्कार का अंतिम आसन है। जैसे ही आप सांस छोड़ते हैं, अपने शरीर को सीधा करें और अपनी भुजाओं को धीरे से नीचे लाएं। जब आप सांस छोड़ते हैं तो अपनी हथेलियों को प्रार्थना की स्थिति में अपनी छाती के सामने एक साथ लाएं। आराम करने के लिए कुछ समय निकालें और अपने शरीर में शांति महसूस करें। इस आसन के लिए मंत्र है ओम भास्कराय नमः, जिसका अर्थ है ज्ञान की ओर ले जाने वाले को नमस्कार। भास्कर शब्द दो भागों से बना है। भास का अर्थ है प्रकाश और ज्ञान, और कर का अर्थ है करो। यह सूर्य नमस्कार करने वालों के लिए प्रकाश और ज्ञान के स्रोत के रूप में सूर्य देव का प्रतिनिधित्व करता है। यह मंत्र हमें सूर्य देव से जुड़ने में मदद करता है और हमें आत्मज्ञान के करीब लाता है। सूर्य नमस्कार को एक संपूर्ण आध्यात्मिक अभ्यास के रूप में देखा जाता है, क्योंकि यह हमें एक सामंजस्यपूर्ण संबंध विकसित करने में मदद करता है और हमारे जीवन में प्रकाश और ज्ञान लाता है। प्राणायामासन एक पारंपरिक योगासन है जो रीढ़ के लचीलेपन को बढ़ाकर सांस के प्रवाह में सुधार करता है। यह पीठ की मांसपेशियों को भी मजबूत करता है और समग्र समन्वय में सुधार करता है। यह पोस्चर को बढ़ाते हुए जांघों, घुटनों और टखनों को मजबूत बनाने का भी काम करता है। सूर्य नमस्कार एक विशेष प्रकार का योग है जो आपके शरीर, मन और आत्मा के लिए बहुत अच्छा है। यह एक शक्तिशाली व्यायाम है जो आपको अच्छा स्वास्थ्य और ऊर्जा से भरा रखता है। जब आप सूर्य नमस्कार करते हैं तो आपका शरीर मजबूत और अधिक लचीला बनता है, जो आपको फिट रहने में मदद करता है। हालांकि यह सिर्फ आपके शरीर के लिए ही नहीं, बल्कि इससे आपका मन भी अच्छा और खुश महसूस करता है। यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है जो उदास, चिंतित या तनावग्रस्त महसूस करते हैं। नियमित रूप से सूर्य नमस्कार करके आप अपने संपूर्ण स्वास्थ्य में सुधार कर सकते हैं और एक खुशहाल जीवन जी सकते हैं। आप हमसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, पिंट्रस्ट और ब्लॉग पर भी जुड़ सकते हैं, और हम नियमित रूप से इन प्लेटफॉर्म्स पर महत्वपूर्ण अपडेट और मूल्यवान सामग्री भी पोस्ट करते हैं। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी लिंक पा सकते हैं। अगर आप अपना आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं तो उससे संदर्भित हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक दिए हैं, उन्हें ज़रूर चेक कीजिए। इसके अलावा हमने अपने वीडियो में आध्यात्मिक उत्पादों, प्रोडक्ट्स का ध्यानपूर्वक चयन किया है और हमारे प्रिय दर्शकों का समय बचाने और दर्शकों की सुविधा के लिए इन उत्पादों, प्रोडक्ट्स की कीमत, क्वालिटी और ग्राहकों की प्रतिक्रिया के आधार पर उनकी तुलना की गई है। यदि आप रुचि रखते हैं और यह उत्पाद, प्रोडक्ट्स आपकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो आप उन्हें डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से खरीद सकते हैं। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। भविष्य में ऐसे ही अधिक ज्ञानवर्धक सामग्री के लिए हमसे जुड़े रहे। हमें आशा है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। जल्द ही फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए।